इट्स 1762, यू वॉन्ट बिलीव मी, बट जैसे वो हनुमान जी की प्रतिमा होती है ऐसा कोई फायर के सामने बैठा हुआ है टीका लगाकर। तो स्वागत है तरुण शर्मा शो में, और आज आने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ा, क्योंकि हम लोग आज जिन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं ना, वो बहुत अलग अलग टॉपिक्स हैं। हम लोग टैरो पे बात करेंगे, हम लोग एस्ट्रोलॉजी पे बात करेंगे और हम लोग इन सब गलियों से निकलते हुए जाएंगे अपनी पास्ट लाइफ में भी, क्योंकि जो आज हमारे साथ हैं वो पास्ट लाइफ एक्सपर्ट हैं। मैंने उनके बहुत वीडियोज़ भी देखे हैं, मज़ा आने वाला है। तो चलो बात करते हैं डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना जी से। गीतांजलि जी, वेलकम टू द तरुण शर्मा शो, कैसी हैं आप? I'm good. Thank you so much for inviting. It's an honor to be here. Thank you so much for coming on the show. तो शुरू करते हैं गीतांजलि जी। हाँ जी। तो गीतांजलि, आप टैरो तो आपका एकदम हार्डकोर टैरो फील्ड है, और आप पास्ट लाइफ तो आई थिंक बहुत समय से आप करते आ रहे हैं। ये क्वेश्चन ना मेरे दिमाग में बहुत समय से चल रहा है, कोई मुझे इसका जवाब देता नहीं है। जैसे मेरी सोल है, ठीक है, आई डाई, माई सोल गोज अप, उसका फिर एक रीबर्थ हो गया, ठीक है। अब मेरी सोल का तो रीबर्थ हो गया, नाउ इट्स इन समबडीज एल्सिस बॉडी, वो किसी और बॉडी में। Absolutely. फिर हम जो मीडियम्स होते हैं या जो साइकिक होते हैं वो किस चीज से कनेक्ट करते हैं? लेकिन जरूरी नहीं है ना कि आपका, देखिए आप मेरे पास आए, अगर आपका बर्थ, आपका रीबर्थ हो गया तो आपका सोल आएगा ही नहीं ना हमारे पास। अच्छा, कनेक्शन ही नहीं होगा, हम बोलेंगे आंसर ही नहीं मिल रहा है हमको। अच्छा, इट इज शट क्लोज्ड। अच्छा, ऐसा होता है कि मतलब सोल नहीं मिली, क्योंकि सोल नहीं मिली। और किसने बोला कि आपने आज जन्म लिया, आप आज मर गए और आप कल जन्म लेंगे, या 40 दिन बाद जन्म लेंगे, ऐसा नहीं होता। नहीं, मैं इन केस पूछ रहा हूं कि अगर रीबर्थ हो गया। नो, इट इज कभी कभी आपके 100-100 साल तक आपका रीबर्थ नहीं होता है। अच्छा, क्योंकि आप वो सरकमस्टेंसेस ढूंढेंगे, राइट सरकमस्टेंसेस टू टेक बर्थ। हमने क्या कहता है, पास्ट लाइफ पहुंचेंगे राइट सर्कमस्टांसेस टू टेक बर्थ। नाउ सपोज इफ आई वॉन्ट टू टेक बर्थ, मुझे ये मदर के पास जाना है, मुझे अमेरिका में रहना है, मुझे यहीं चाहिए, तो मैं पहले सर्कमस्टांसेस देखूंगी कि ये सर्कमस्टांसेस सही हैं। सो बिफोर यू टेक बर्थ, यू डिसाइड कि आपको इंडिया में रहना है, इंडिया में कौन से शहर में रहना है। अच्छा। आपकी मदर के पास जाना है, कौन सी आपकी मदर होनी चाहिए, उसके साथ क्या कर्मा है आपका, आपका ये फादर कौन सा होना चाहिए, आप फैमिली चूज करते हो, यू चूज द सर्कमस्टेंसेस। बिकॉज जब एक आत्मा यहाँ आती है इन अ फिजिकल फॉर्म, इट इज यूजिंग द फिजिकल फॉर्म टू अंडरगो द लेसन्स लर्न्ड। ओके, आपने भी अपनी जिंदगी में कुछ लेसन्स लर्न किए होंगे, शायद कंपैशन का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो बोलते हैं हमें इतना पैसा कमाना पड़ रहा है, मेरे फादर ऐसे हैं, मेरी मदर ऐसी, हम बहुत गरीब घर से। बट आपकी सोल, आपकी आत्मा ने वो एक्सपीरियंस के लिए ही जन्म लिया है। यू ओनली चोज अ पेरेंट जिसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि आपको इंडिपेंडेंस का लेसन लर्न करना था। तो जब आपको इंडिपेंडेंस का लेसन लर्न करना है, तो आप पैसे वाले घर में आ जाओगे तो उधर तो बोलोगे अ सोल गेट्स टू चूज कि मुझे कहाँ जाना है। 100%। और मैंने कई बार सुना भी है कि लोग बोलते हैं यार मैं तो उन्हीं लोगों के बीच में घूम रहा हूँ। जैसे कई लोग, जैसे जो अगर हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन और जो लोग सोल्स को नहीं मिलती है तृप्ति, वो फिर भटकते हैं। अच्छा, वो भटकते हैं। हाँ, तो एंड दैट इज वाई जब कहते हैं ना लोग, पीपल शुड नॉट हैव टू मच ऑफ अल्कोहल, टू मच ऑफ ड्रग्स, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, बिकॉज देन दीज सोल्स स्टार्ट गेटिंग अटैच्ड टू यू। अच्छा, तो मतलब वो यहीं रह जाते हैं फिर। हाँ, दे डोंट गो अप, बिकॉज उनका एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई हो, या सुसाइड से हो गई हो, या सडन डेथ हो गई हो, तो वो लोग थोड़े टाइम के लिए यहीं पर भटकते हैं, फिर उनका जब समय आता है तब ऊपर जाते हैं। अच्छा, तो वही जो पोजेशन वगैरह करते हैं वही लोग वही यूज करते हैं। अच्छा, तो मैं जो पूछ रहा था कि जैसे मैंने सुना भी है, और कई जगह पे केसेस आते भी रहते हैं, कि जैसे जो पास्ट लाइफ के लोगों के साथ ही हम लोग दोबारा मिल जाते हैं। आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है पास्ट लाइफ की। हाँ, उसको हम सोल फैमिली बोलते हैं। अच्छा, तभी मैंने कहा कि आप अपने फादर को चूज करेंगे, मदर को चूज करेंगे। तो मदर और फादर आपको चूज नहीं करते हैं। अच्छा, आप अपने मदर फादर को, वो तो पहले जन्म लिए, आप ही नीचे बाद में आए हैं, तो वो तो नहीं कहेगा भैया तरुण चाहिए मुझे, नहीं, वो तो नीचे आ चुका है, उसको तो ऊपर की कोई नॉलेज नहीं है। सो व्हेन यू आर कमिंग डाउन, सपोज आप तरुण आ पा रहे हैं, तो आप ये सोच करेंगे कि ये जो है ये मेरी माँ होगी, ये मेरे फादर होंगे। अच्छा, ये मेरा घर होगा। तो हमारी सोल फैमिली के हिसाब से फिर आपको एक सर्कमस्टेंस मिलते हैं, आपके चाचा चाची ये सब। देन यू मीट पीपल दैट योर एक्सटेंडेड फैमिली, योर वाइफ, उसको भी आपने चूज किया होता है। फिर आपके बच्चों को आप चूज नहीं करोगे, बट अगर आप मेरे बच्चे मुझे चूज करेंगे। हाँ जी, तो इसको हम सोल कॉमरेड फैमिली, जैसे आर्मी होती है, आर्मी में अगर आप देखोगे पर्टिकुलर लोग साथ में रहते हैं, तो वो उस टाइम पे कितनी जगह आप देखोगे कि ना एक ट्रेजेडी हो गई,
जैसे अमरनाथ में ट्रेजेडी हो गई है, ये भी सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही ये लोग ने डिसाइड किया होता है कि ये टाइम पे हम, अब हालांकि हमारे कोई लेना देना नहीं है, बट वी विल डाई एट दिस टाइम, सो सो मेनी पीपल विल गो अंडर अ कैटास्ट्रोफी एंड ऑल दैट. अच्छा, तो अ सोल नोज आल्सो कि मेरी डेथ कब है. हाँ, और आप अपनी डेथ को, आपको एक चांस मिलता है उसको चेंज करने का, ये भगवान देते हैं. हाँ, तो जब आप है ना, अगर आप योगा करें या ऑल दीस काइंड ऑफ थिंग करें, तो आपका द नंबर ऑफ ब्रेथ्स विच हैव बीन गिवन टू यू दैट इज डिसाइडेड. तो जब आप योगा करते हैं तो आप अपना ब्रेथ का थोड़ा सा यू नो स्लो कर देते हैं, तो फिर आप पहले के लोग ज्यादा जीते थे. द नंबर ऑफ ब्रेथ्स इज डिसाइडेड. अच्छा, तो थ्रू ऑल दीस मेडिटेशंस एंड थ्रू योगा, तो आपकी लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है, कोई कोई चार चार साल, पांच पांच साल, दस दस साल तब बढ़ सकती है. जो बची हुई सांसें हैं वो आगे एडजस्ट हो जाती हैं. एग्जैक्टली, सांसें आपको दी हुई हैं गिन के. तो टैरो से भी पास्ट लाइफ का पता चल सकता है. मैं पास्ट लाइफ टैरो करती हूँ, जिसमें अगर किसी ने, बंदे ने पूछा मैं पास्ट लाइफ में क्या हूँ, क्या था, या फिर इस बंदे से मेरा क्या रिश्ता था, तो वी आर एबल टू गेट इट. क्योंकि देखिए, हमने बहुत सारी चीज़ें की है, पास्ट लाइफ किया है, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग की है, तो वी आर एबल टू इजी कनेक्ट टू अ पर्सन पास्ट लाइफ, या बता देते हैं. अब वो कितना वो विश्वास करे वो उसकी कहानी है. मुझे तो दिखेगा मैं वो बताऊँगी, नहीं दिखेगा तो मैं नहीं बताती. तो वो द स्ट्रेंजेस्ट केस ऑफ पास्ट लाइफ जो आपने टैरो या पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू भी आपको पता चला कि यार ऐसा भी हो सकता है. ये तो बड़ी अजीब बात है, स्ट्रेंजेस्ट आपको चाहिए. स्ट्रेंजेस्ट केस ऑफ पास्ट लाइफ मैं अपना ले सकती हूँ. मेरे को नहीं, आई कैन नॉट टेक माय, दैट विल बी टू मच. मतलब आपको उसका पास्ट लाइफ में, वो करंट लाइफ में क्या थे, जैसे कि अभी उसको कुछ प्रॉब्लम है, देन यू सेड कि चलो पास्ट लाइफ हम लोग आपका चेक करते हैं. आपने चेक किया, वहाँ पे आपको कुछ बहुत अजीब सा या कुछ समथिंग ऐसा जो लोग जनरली सोच नहीं पाते कि यार ऐसा भी हो सकता है, लाइक ऐसा भी कुछ इशू हो सकता है जिसकी वजह से. तो मैंने, हाँ देखिए, मैंने ये एक पास्ट लाइफ किया था. वो लड़की को एक ऑटो इम्यून डिजीज थी. ओके. सिस्टमिक लूपस था, जिसमें उसकी लंग्स और ये सब परेशान हो रही थी. अच्छा. तो हमने उसका मैंने उस, वो मोस्टली लोग हमारे पास हेल्थ इश्यूज के लिए ही आते हैं, रिलेशनशिप सबके लिए आते हैं, बट हेल्थ इश्यूज में क्या होता है, हम हीलिंग को बहुत ज़्यादा मानते हैं. दैट पर्सन हैज़ नोवेयर एल्स टू गो, तो वो लोग हीलिंग पे बहुत ही करेंगे. Okay. तो जब मैंने उसके ऊपर काम किया, तो ये देखा कि उसने अजीब सी पास्ट लाइफ देखी. उसको ना सांस लेने में तकलीफ हो रही थी. तो उसने देखा कि कोई तो भी, उसने 2013-14 में, ये उसके साथ केस हुआ था, वो हीलर भी थी, 2013-14 में वो किसी की हीलिंग कर रही थी, और हीलिंग करते करते कोई उधर की चीज़ उसने एक अपनी तरफ आउट ऑफ अट्रैक्ट कर ली. स्ट्रेंजर्स केस, उधर मतलब कुछ समथिंग ब्लैक मैजिक और समथिंग. वो लेडी जो थी वो काफ़ी तंत्रा में थी और इसमें थी, तो कुछ उसने वो चीज़ को अट्रैक्ट कर लिया, और अट्रैक्ट करके वो चीज़ उसके पास आ गई, उसकी वजह से वो बीमार हुई. तो वो बीमारी उसकी नहीं थी, बट उसका टाइम ख़राब था जिसकी वजह से उसने ये काम किया. तो उसने बाद में बोला भी कि जब मैं ये कर रही थी तो मुझे एकदम से एक अजीब सा महसूस होने लगा. फिर हम लोगों ने उसका सारा का सारा यू नो रिवर्स किया, उस चीज़ को हटाया कि ये आपकी नहीं है, आप हटाइए. और उसके खुद का ये देखा कि तुम्हारे को लर्निंग क्या है. Okay. क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ आपके पास ऐसे नहीं आएगी, आपकी एक हमेशा लर्निंग होगी. वो कोई भी चीज़ हो, आप नेगेटिव एनर्जी बोलो, ब्लैक मैजिक बोलो, साइकिक अटैक बोलो, स्पेल्स बोलो, सबका सब आपने कुछ, आपको सफ़र करना है, आपको कुछ सीखना है, इसलिए वो चीज़ आपकी लाइफ कुछ ना कुछ आपका कार्मिक डेट है. जैसे लीगल इशू आते किसी को, आपको सीखना है कुछ ना कुछ उससे. अगर आपने वो पास्ट लाइफ बराबर से देख ली, तो आपका वो लीगल इशूज़ ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज आपकी लर्निंग ख़त्म हो गई. अच्छा. तो इस वजह से जब मैंने उसके ऊपर किया, तो जैसे ना ये अब ये इधर है, इसके पास एक चीज़ आके चली गई. मैंने बस उस चीज़ को हटा दिया. इसका जो प्रॉब्लम है कि तुझे ये चीज़ क्यों चाहिए थी, तो वो काफ़ी गिल्ट में थी. उसने अपनी यू नो पेरेंट्स पे इतना ध्यान नहीं दिया था, तो और वो गुजर गए थे, तो अब उसको ऐसा लग रहा था कि मैं किसी का ध्यान दूँ. वो थॉट उसको यहाँ ले गया. Okay. वो हमने रिलीज कर दिया, वो तबीयत ठीक हो गई, सडनली ठीक हुई है. मुझे ये ही एक सवाल मुझे अभी पूछना है कि पास्ट लाइफ से, जैसे मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, ठीक है, मैं पास्ट लाइफ में गया, वहाँ पे मुझे दिखाई दिया कि अब मैं बहुत हाइट से गिर के मरा था, इसलिए मुझे आज भी डर लगता है पास्ट लाइफ से. पास्ट लाइफ से डर नहीं लगता? नहीं, मतलब हाइट से डर हाइट से डर हाइट से डर लगता है. तो मैंने पास्ट लाइफ में देखा,
कि मैं हाइट से गिर के मरा था, हाँ। तो फिर वो डर दूर कैसे हो जाता है मैम, क्योंकि मुझे तो और डर लगने लग जाएगा। नहीं, बहुत साइंटिफिक चीज है, बट आई डोंट हैव अ प्लेस टू एक्सप्लेन। क्या होता है, आप कॉन्शियस माइंड है हमारा 10%, दिस विल गो अ लिटिल बिट साइंटिफिक। कॉन्शियस माइंड इज 10%, वी हैव अ बॉल ऑफ एनर्जी अराउंड अस। ओके, नाउ आपको याद होगा अगर आप जायंट व्हील पे हम सब बैठे हैं तो हमारे बॉडी में एक हॉलोनेस आ जाता है। हाँ, जब हम नीचे आ रहे नीचे रहे। कभी अपन ने सोचा था हॉलोनेस, किसी ने हमें बोला था तू हॉलो हो जाएगा, आपको अपने आप महसूस हुआ, फिर आप पूछते हो तो वो सब लोग बोलते हैं हाँ ऐसा है। दैट इज नोन एज फियर ऑफ फॉलिंग। तो कॉन्शियस माइंड को दिख रहा है कि मैं मैं कहाँ गिर रहा हूँ। कॉन्शियस माइंड को पता है कि मैं बॉक्स में हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, नहीं। बट जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो सिर्फ एक 5 साल का बच्चा है, उसके पास वो सिर्फ एक मेमोरी है, तो उसको महसूस होता है, उसको ये सब कुछ नहीं दिख रहा है, एसी है, ये है, कुछ नहीं दिख रहा है, उसको सिर्फ एक महसूस हो रहा है कि मैं गिर रहा हूँ। वो चीज़ ठक करके वो एक पेन को ले आता है, ठीक है। तो आप जब नीचे देखते हो तो आपको आपको गिरने से, हाइट से ये नहीं होता है, आपको ये लगता है जो आप जब जब मरे थे वो आपके सारे फियर्स ऊपर आ जाते हैं एज अ पास्ट लाइफ। तो नाउ नॉट ओनली तरुण इज फीलिंग द फियर ऑफ फॉलिंग, इफ तरुण वॉज एवर राजकुमार और जो गिर गया वो भी खड़ा हो गया, यार तरुण मत जा तो गिर जाएगा। ऐसे करके अगर आपके चार लोग थे तो चारों के चारों एनर्जी से वो मेमोरीज देंगे, इट विल जस्ट स्टार्ट गिविंग अप ट्रिगर्स एंड देन यू विल नॉट नो व्हाट टू डू, तुम एकदम से चक्कर आएंगे और तुम जाओगे। मैम अब एक बात बताओ, ये तो मेरे लेकिन फियर ऑफ फॉलिंग जो है वो सबको रहता है, वो एक चीज है जो आप कॉन्कर नहीं कर सकते। बट जैसे मैंने एक क्लाइंट के पास किया था, अभी वो आई थी दिल्ली से, एक क्लाइंट थी वो, तो उनको ये था कि मैं क्लॉस्ट्रोफोबिया भी होता था, वो जैसे इस पे चलती थी ना प्लेन में उनको तकलीफ होती थी, वो हाईवे पे चलेंगी तो जैसे जैसे हाईवे ऊपर जाता रहेगा हर पैल्पिटेशन फोबिया एंड ऑल दैट वुड स्टार्ट, सो द फोबिया इट वॉज नॉट अ दिस थिंग, तो पसीना आना शुरू करेंगे ये वो। उसका हमने 4 past lives देखी, मतलब उन्होंने देखी, मैंने नहीं देखी है। तो उन पास्ट लाइफ देखी, इसमें एक में वो पायलट थी मर गई, एक में वो कुछ कहीं मर गई, उसके बाद वो ठीक हो गई। अच्छा, बिकॉज जो जो जैसे सपोज अभी आपका ये टेबल है, सब मैंने सामान खाली कर दिया तो टेबल खाली हो गया ना, तो जो मेमोरीज हैं वो खाली हो गई, वो रात के ड्रीम स्टेट में वेंट आउट हो गई। अच्छा। आपको उसकी जरूरत ही नहीं है, सपोज अभी ये कॉफी है, कॉफी की मेरे को जरूरत नहीं, चले जाओ इसको, इसको आपको हटा दो, मैंने देखा मैंने हटा दिया, सो इट इज क्लीन, देन देयर इज नो फियर। यहीं से तो मैम वो सवाल उठता है कि ये तो सबकॉन्शियस माइंड में है मेरे, जो कि मुझे इतना ट्रेवल कर रहा है, अभी नाउ आई नो वो अब मेरे कॉन्शियस माइंड में भी है। हाँ ठीक है, तो ऐसा हुआ था तो और ज्यादा वो डर और ज्यादा बढ़ नहीं जाएगा? नहीं, क्योंकि क्या होगा, कॉन्शियस माइंड कोई मैसेज नहीं देता है, मैसेज सबकॉन्शियस माइंड देता है। कॉन्शियस माइंड ऐसे देखा हुआ है, अभी मैंने यहाँ पे सांप रख दिया तो कॉन्शियस माइंड ने सांप देखा, तो सांप है ही ना, सबकॉन्शियस में नहीं है, तो आप खुद ही देख के भाग जाओगे। अब यहाँ पे सांप नहीं है पर आपके सबकॉन्शियस माइंड का जो सांप है वो हमने हटा दिया, तो वो जो कॉर्ड कटिंग होता है वो यही होता है। कॉर्ड कटिंग की जरूरत ही नहीं है, वो आपने एक बार अपनी पास्ट लाइफ देख ली, अभिजीत मर गया, विक्रम मर गया, ये मर गया, मर गया, अभी हमको उसकी जरूरत ही नहीं है, वो चली जाती है। अच्छा, तो मतलब मोस्टली लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। हाँ, अगर देखिए कोई कोई चीज़ें हैं जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम वहाँ टच भी नहीं करते, बाइपोलर हो, हैवी डिप्रेशन हो, मैनिक डिप्रेसिव हो, वो सारी चीज़ों को जैसे हम साइकाइट्रिस्ट केसेस, सुसाइडल आइडिएशन हो, वो सारी चीज़ों को हम टच ही नहीं करते। अच्छा, अगर वो हमें टच करनी भी है तो हम पास्ट लाइफ से नहीं करेंगे, प्लस हम पहले उसको साइकाइट्रिस्ट ट्रीटमेंट से थोड़ा ठीक करेंगे, बिकॉज यू कांट heal that, it becomes very difficult. Okay. मैंने I have worked on a case and उसको मैंने दूसरी टेक्निक से, पास्ट लाइफ से नहीं, दूसरी टेक्निक से ठीक किया है, 80% that person is better. मेडिसिन मगर अभी भी चल रही है, पर जो उसका जो लाइफ में अनस्टेबल पना था ना, ये नहीं वो नहीं वो नहीं ऐसा नहीं, इनडिसाइसिवनेस जो थी वो काफ़ी कम हो गई, कभी भी पैसे खर्चा करना, पगार आई आज कल का कल खर्च कर देना, अच्छा फिर वाइफ परेशान, दुनिया परेशान, सो वी हैव वर्कड ऑन इट एंड इट केम अप। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा तरुण, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो करंट लाइफ में, कोई भी, भले पास्ट लाइफ जवाब है लेकिन स्टार्ट वो करंट लाइफ से ही होगा। ट्रिगर जो बोलते हैं ना, मैंने आपके कनपट्टे पे बंदूक रखी, दैट इज करंट लाइफ में ये ट्रिगर है। तब जब जब आपकी पास्ट लाइफ पे आपने थ्रेटन्ड फील किया, वो सारी पास्ट लाइफ एक्टिव हो जाएगी।
अच्छा ये प्रॉब्लम होती है, तब डर लगना शुरू होता है जब आपको ट्रिगर इस लाइफ में मिलता है। तो जब 20% ट्रिगर इसका है, 80% पास्ट लाइफ का है, द मोमेंट मैंने वो 80% ठीक कर दिया तो तरुण का 20% तो पता है ना यार अभी गन है नहीं, सबकॉन्शियस माइंड मुझे दिख ही नहीं रहा है ना क्या चीजें हैं। इस नोट पे आई विल एंड दिस पॉडकास्ट टुडे, बट बिफोर वी एंड वी विल हैव टू डू पास्ट लाइफ रिग्रेशन, देन वी आल्सो हैव टू डू वन योर टैरो कार्ड रीडिंग आल्सो। ठीक है तो टैरो अभी कर ले। हां टैरो अभी कर लेते हैं। मेरा जो YouTube चैनल है अभी इट्स ऑन 100K, तो वो 2 लाख या नहीं सॉरी 5 लाख कब पहुंचेगा? 5 लाख। ठीक है पहले अभी आप देखिए कि 5 लाख ये साल पहुंचेगा क्या। ठीक है उसके लिए आप 3 कार्ड दे दीजिए, 5 दे दीजिए, किस भी दे दीजिए, देख के यहाँ रख दीजिए। हम इस साल का कर रहे हैं अभी तक तो यस है। अच्छा लास्ट का पता नहीं, ये साल नहीं पहुंचेगा, ये साल नहीं पहुंचेगा। जी 4 कार्ड ने यस किया, 1 कार्ड कितनों करने मैंने वही कहा था 4 कार्ड का। ये देखिए प्रॉब्लम पता है क्या है कि आपका थोड़ा सा कंटेंट आपको डिफरेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको और डीप स्टडी करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा लैकिंग हो रहा है आपके पॉडकास्ट में। जैसे आपने कहा कि कुछ थोड़े से नए चेंजेस ला सकते हैं, वो आप करिए, थोड़ा सा स्टडी करिए हाउ पीपल आर डूइंग और व्हाट इज वर्किंग, यू नो दैट इफ यू डू तो हो जाएगा। अब मुझे आप अगले साल के लिए कार्ड्स दीजिए। जितने आपको देने दीजिए। आपने क्या पूछा? 5 लाख। आप अपने चैनल का नाम बदलने वाले? नहीं बदल रहे ना, जो आपका नाम है वही होगा ना आपका। देखिए आपका ये थोड़ा सा ह्यूज में आ रहा है, मतलब लास्ट नेक्स्ट ईयर के जैसे हम बोल सकते हैं सितंबर के बाद से लेके फेब 2026 के बीच में आपके 5 लाख 2026 तक हो जाएंगे। हाँ चलो इतना तो चलेगा, 2026 तक आपके हो जाएंगे 5 लाख, क्योंकि मेरे को दिख रहा है आप ऑर्गेनिक जा रहे हैं, आप यू आर नॉट बाइंग पीपल। हाँ वो आई एम नॉट डूइंग दैट, सो दैट विल टेक टाइम। तो आप 2026 का आप समझ सकते हैं आपका 5 लाख हो जाएगा। उसके पहले मुझे थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। अगर आपने इसमें कुछ जैसे आपने मुझे कहा था कि यू आर गेटिंग समबडी, तब आप कुछ उसके बाद तो वो एक शिफ्ट होगा। बट दैट इज द इशू, द इशू इज कि द शो इज ऑन माय नेम, इट्स द तरुण शर्मा शो, इफ आई ऐड समवन एल्स तो एक मतलब आप ये देखिए एक कार्ड फॉर द एनर्जीज ऑफ तरुण शर्मा शो एंड एक कार्ड फॉर सम अदर नेम। अच्छा मतलब इफ आई हैव टू चेंज द नेम ऑफ द शो। हाँ तो अगर आपका जो करंट नाम की एनर्जीज और एक न्यू नाम की एनर्जीज क्या है, अगर हम चेंज करते तो एनर्जीज क्या आ रही है। हालांकि हमने नए नाम का एनर्जी हमें पता नहीं है, ये तरुण शर्मा के लिए है। और अगर आप नाम चेंज करते तो क्या एनर्जीज आ रही है? कभी कभी सक्सेस एक ही इसमें मिलता है ना। नहीं आप नाम चेंज ही नहीं कर सकते, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स आपने लिया है। ये है ना तरुण, तुम्हारे लिए तुम्हारी आइडेंटिटी है, वही इशू है। और तुम ये आइडेंटिटी किसको नहीं दे सकते हो, मतलब तुमने अपने दिमाग में ये शो को और अपने आप को एक मान जोड़ लिया है, तो इसकी वजह से तो तुम ये शो किसी के मतलब इफ यू हैव 10 पीपल स्टिल इट्स गोइंग टू बी तरुण शर्मा शो। क्या कार्ड है ये कार्ड आप निकाल देते मैं आपको बोलती थी 5 लाख आ गए तो वो पर एटलीस्ट आपके पास ये है कि आपको इसी नाम से ही नेम एंड फेम मिलेगा, इसी नेम से नेम एंड फेम मिलेगा। मैंने एक बार अपने लिए टैरो किया था कि मुझे नेम एंड फेम एज अ टैरो रीडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने बात टैरो किया था 2008 में और तभी यही कार्ड आया था। गुड साइन देन। हाँ और तब मैंने कैलकुलेट किया था कि मिलेगा 2021 में वो मैंने वो मेरे वो तभी इंट्यूशन आया था और 2021 में मुझे ज़्यादा नेम एंड फेम मिलना चालू हुआ। नाउ कैन आई सी कि मैं पास्ट लाइफ में था क्या? आप क्या थे? नहीं सी बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको करंट लाइफ में क्या इशू है वो आप बताएंगे तो वो आपका पास करंट लाइफ में इशू। मैम मेरा ये है, आपने अभी घर का इशू बोला, घर का इशू बताया जैसे, और घर क्यों नहीं हो रहा है। दूसरा इशू ये है कि एक तो
मैं कुछ करता हूँ ना, वो होता है होता है होता है होता है होता है होता है होता है, नहीं होता है। मैं बार बार बोल रही हूँ फादर से क्या इशू था बचपन में मेरे? फादर से एक्चुअली मुझे फादर्स की साइड से आज तक कोई इशू नहीं रहा। तो आपका क्या हॉरोस्कोप में सूर्य खराब बैठा है? हाँ, वो इट्स इन सिक्स और एट्थ आई थिंक, मुझे ऐसे याद नहीं है, बट वो इट्स इन वन ऑफ द वर्स्ट हाउस। क्योंकि आप जो बॉर्न हुए हो ना, जो आप ईयर में, उसमें भी आपका सूर्य खराब है और ये भी इसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो आप अपना नाम को थोड़ा सा चेंज करिए, स्पेलिंग चेंज कीजिए, उसको अच्छे वन नंबर पे लेकर आइए, ताकि आपका जो वन नंबर का आपको तकलीफ यहाँ है वो आप उसको कॉम्पेंसेट करिए। प्लस आप एक बारहमुखी रुद्राक्ष पहनिए, बारहमुखी रुद्राक्ष पहनिए, सूर्य के सारे जो आप कर सकते हैं वो आप करिए। अगर मैं पास्ट लाइफ में बोलूंगी तो आपको पास्ट लाइफ देखनी है जहाँ पे आपके आपका सूर्य जो करियर से प्रॉब्लम्स है वो भी आप देख। इसमें भी मैं तीन निकालूं? आपकी मर्जी, जो मुझे आंसर आएगा। आपने कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा है, दिस इज लाइक जस्ट द रीडिंग ऑफ द यूनिवर्स। वाओ, तो आपकी मेरे को तीन से चार पास्ट लाइफ्स दिख रही हैं, जो मुझे दिख रही है मैं बता रही हूँ। एक पास्ट लाइफ में बहुत आप, मुझे नहीं पता आप कितने स्पिरिचुअल और रिलीजियस हैं, मुझे बहुत लोगों ने बोला है, बट आपके अंदर बहुत स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस की आपकी पास्ट लाइफ है, जहाँ पे आपने गॉड, जहाँ पे आपने रिलीजन को अपना एक लाइफ का मकसद माना है। मतलब आपने पूरी लाइफ एज अ सेंट, वो कोई भी सेंट हो, आपने क्रिश्चियन रिलीजन लिया हो, आपने हिंदू रिलीजन लिया हो, जो भी आपने रिलीजन लिया हो आपने, लेकिन वो चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, एंड यू हैव लेड द लाइफ इन दैट वे। एक लाइफ आपकी ऐसी रह चुकी है और वहाँ से ही आपको ब्लेसिंग्स हैं। दूसरी आपकी लाइफ रही है कि आपको बहुत ज़्यादा यातनाएं हुई हैं आपके ऊपर। अच्छा, हाँ, परसिक्यूशन एंड इंक्विजिशन की, या फिर आपने किसी को बहुत परसिक्यूट किया है, या फिर आप तो जो आप हो सकते ना, अगर आपने किया हो तो उसका दूसरा लाइफ आप बोलोगे मैं भगवान का इंसान हूँ, क्योंकि इतना गिल्ट लिया। जैसे अशोका ने जब वो वॉर लिया था, कलिंगा का वॉर जीता था, तो सब इतना सब ब्लड शेड देख के क्या बोलता, ही कुडंट टेक दैट, सो ही टर्न टुवर्ड्स बुद्धिज्म। वैसा ही हो सकता है आपके साथ हुआ है कि आपने लोगों को काफ़ी परसिक्यूट किया हो किसी लाइफ में, और आप फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए हो सकता है। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग द कनेक्शन एज, मोर देन पीपल परसिक्यूटिंग यू, यू हैव परसिक्यूटेड पीपल। एंड आपके पास्ट लाइफ में आपको काफ़ी कुछ लोग, लॉयल लोग मिले हैं जो आपको आसपास अभी भी होते होंगे। आपके पास हैं लॉयल लोग कि कम हैं? हैं, कम हैं, लेकिन हैं, कम होंगे, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो ना ऊपर बोल देने वाले। हाँ, मेरा ये बहुत, मेरे घर वालों को भी ये प्रॉब्लम है, हाँ, कि डिप्लोमेट फिल्टर नहीं है, फिल्टर नहीं है, वही मेरे को भी फिल्टर नहीं है ना, तो वही प्रॉब्लम है। तो आप ऊपर बोलते हो, पर ऐसे लोग बहुत सच्चे होते हैं, जो होता है वो बोल देते हैं। तो इस वजह से आपके पास जो लॉयल लोग हैं ना, उनको पकड़ के रखो आप अपने गोल। आपको तभी भी लॉयल लोग थे, अभी भी वही सोल ग्रुप आपका जो है ना वही रहेगा, वही रहेगा, और आपको अभी भी है नाइटहुड, आपको नेम एंड फेम भी मिलेगा, और वो लॉयल लोग ही आपको, इट्स लाइक अ जर्नी, दे आर हियर टू सपोर्ट यू ऑन अ जर्नी टुवर्ड्स नेम एंड फेम। मेरे बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स, लिमिटेड ही होंगे, चार पांच लोग हैं जिनको मैं कभी भी कॉल कर सकता हूँ, पर लेकिन वो चार पांच ही हैं बस। हाँ, वो ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि आप वो डिप्लोमेटिक नहीं हो ना, जैसे इससे फ़ायदा क्या उठाना है, उससे फ़ायदा, आप वो थॉट में ही नहीं होंगे। आप ये बोलोगे मुझे काम करना है, भाई तू बता तेरे को क्या काम कर रहा है, मुझे भी काम करना है, तुझे भी काम करना है, वो पॉलिटिक्स आपको नहीं आती, नहीं आती। बस आई थिंक वी शुड एंड माय सेशन हियर एंड लेट्स गेट टू पास्ट लाइफ रिग्रेशन नाउ, जो कि हमारा टीम मेंबर है शिवम, ही इज द प्रोड्यूसर ऑफ द शो, तो उसकी पास्ट लाइफ में हम जानेंगे कि क्या है उसकी लाइफ में, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। शिवम मैम, मेरा नाम भी जैसे शिवम ही है, सो व्हेन आई वाज बॉर्न तो ऐसा मेरे को बताया जाता है कि नानी को शिव जी दिखे थे, तो आई नेम्ड आफ्टर हिम, एंड आई एम अ वेरी बिग डिवोटी ऑफ हिम, एंड आई फील वेरी कनेक्टेड टू हिम। सो आई जस्ट वांट टू सी कि पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ मेरा स्पिरिचुअल कुछ एक जर्नी था, तो वो क्या था? ठीक है, आप मेडिटेशन करते हो? हाँ। आपको पास्ट लाइफ के बारे में कुछ पता है थोड़ा बहुत? हाँ हाँ हाँ, कि people can go there and I have seen people who say कि ऐसे दो तीन past life उनको अपना basically वो past life का जो record है हमारे aura में भी होता है, तो हमारा aura हमारे आसपास रहता है, तो आप कहीं नहीं जा रहे, आपको एक memory touch कर रहे हो जो इस जन्म की नहीं है, पिछले जन्म की है। ठीक है मैम। ठीक है, तो it's going to be simple, it's going to be easy, ठीक है, डरना मत, आप देखिए आप जा सकते हो नहीं जा सकते हो, हम देखते हैं। ठीक है, चलिए लेट जाइए।
एंड अभी सीलिंग पे देख के जोर जोर से 100, 99, 98, 97 ऐसे काउंट कीजिए. जब आप जीरो पे रीच करेंगे तो आप अपनी आंखें बंद कर देंगे. ठीक है मैम. ऑलराइट. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Close your eyes. Take a slow deep breath in through your nose and exhale through your mouth. एक लंबी गहरी सांस लीजिए एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ. इनहेल एंड एक्सहेल. आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है हर समय. जहां पे भी आपकी मेमोरी आपको ले जाएगी आपको मेरी आवाज सुनाई देगी. इट्स ओके. इनफैक्ट मेरी आवाज से और आसपास जो अदर आवाज आ रही है उससे आप और डीप चले जाएंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में. अलाउ योर माइंड टू गो डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर. एंड एज योर माइंड कीप्स ऑन गोइंग डीपर एंड डीपर, आई वॉन्ट यू टू इमेजिन एक बहुत ही ब्यूटिफुल लाइट यूनिवर्स से आ रही है और आपके क्राउन चक्रा आपके हेड पर इट इज टचिंग. व्हेन यू फील, व्हेन यू इमेजिन, व्हेन यू आर एबल टू विजुलाइज दैट, जस्ट नॉड योर हेड एंड लेट मी नो. क्या कलर है ये लाइट का? व्हाइट. व्हाइट कलर. ओके. नाउ ये जो व्हाइट लाइट है ये धीरे 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 इट विल कीप ऑन गोइंग डाउन डाउन डाउन. इट विल रिलैक्स योर बॉडी. It will relax your mind. It will prepare you to enter your past life. आपने कहा है आप शिव जी के भक्त हैं, आपका नाम शिवम है. आपको ये जानना है कि क्या पास्ट लाइफ में आपका कोई शिव जी के साथ कनेक्शन था या स्पिरिचुअलिटी के साथ कोई कनेक्शन था. इसे ही जानने के लिए हम आपकी जर्नी के लिए जा रहे हैं पास्ट की. ठीक है. टेक अ स्लो डीप ब्रेथ इन एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ. Allow this white light to slowly release all the thoughts which are there in your mind. जो भी आप सोच रहे हैं ये white light उसको absorb कर लेगा. Say release with 5. Say release with 4. Release with 3. Breathe out. Release with 2. Keep on breathing out. With 1. And 0. This beautiful white light now slowly goes deep, very, very deep, cleansing your eyes, your jaws, your neck. It is slowly cleansing a lot of your body, going deep down into Mother Earth. It's relaxing your hands, relaxing your chest. And you are listening to the sound of my voice. आपको मेरी आवाज़ आ रही है और वो आती ही रहेगी. But my voice will help you to go even more deeper. अब आप imagine करेंगे कि आप एक सीढ़ी पे खड़े हैं, एक staircase पे खड़े हैं. इस सीढ़ी के 20 steps हैं. This is a very well lit staircase. यहाँ पे रोशनी है और आप 20वें step पे खड़े हैं. और जैसे जैसे आप ये स्टेप को उतरेंगे आप यू स्टार्ट गोइंग टू योर सबकॉन्शियस माइंड. आप अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड की तरफ जाएंगे डीपर एंड डीपर. सो जब मैं बोलूँगी 1, 2 and 3 यू विल इमेजिन विजुलाइज योर सेल्फ स्टैंडिंग ऑन द स्टेयरकेस. 1, 2, 3 क्या आप अपने आप को देख पा रहे हैं स्टेयरकेस पे? Yes, ma'am. कैसा स्टेयरकेस है? क्या कलर है? आपको कैसा महसूस हो रहा है? Just the white staircase. Staircase in the sky. Staircase in the sky. Okay. So how do will you reach the sky? Allow the staircase to come down, down, down because it has to go down. Ground yourself. उसको नीचे लेकर आओ क्योंकि हमें नीचे जाना है. क्या कलर है स्टेयरकेस का भी? ये सर ग्रीन फॉरेस्ट जैसा स्टेयरकेस लगा. ठीक है.
20th स्टेप पे खड़े हो? Yes. Starting with your left foot. पहले आप अपना लेफ्ट फुट नीचे रखेंगे. You will go down the staircase towards your subconscious mind. 20, 19, बोलते जाइए. 18, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 4, 3, 2, At zero, you will be deep down into your subconscious mind. Now turn away into the from the staircase, and आपको दिखेगा एक लंबा सा passage. क्या आपको इस current life में कभी शिवजी का स्वरूप का feeling आई है? कभी आपने उनको देखा है? कभी महसूस किया है? कोई ऐसी memory है current life की? Yes, ma'am. तो ये कभी की मेमोरी है? कौन से साल की? Which? Yes, tell me. आइए हम पीछे जाते हैं. आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको दरवाजे दिखेंगे. हम 2024 में हैं. एक दरवाजा दिखेगा 23 में, एक 22, 21, 20, 19. आपको कौन से दरवाजे में जाना है? 21. So allow yourself to go and stand in front of the door which has 2021 written. आपको 2021 दिख रहा है? महसूस हो रहा है? Yes, ma'am. आप वो दरवाजे के बाहर जब खड़े हैं तो आपको क्या लग रहा है? आपको अच्छा लग रहा है? बुरा लग रहा है? कैसा महसूस कैसा हो रहा है? Are you excited? Are you little bit anxious? What is happening? Just a simple feel. कैसा Not feel? Any excitement or... Very good. So this simple feel को हम क्या कहेंगे? क्या emotion देंगे? Just feeling relaxed and... Relaxed. Say the word relax to yourself 5 times. Loudly. Relax. 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 As you're saying relax, where do you feel this word relax in your body? कहाँ महसूस कर रही है वर्ल्ड रिलैक्स? अपने बॉडी में किधर आप महसूस कर रहे हैं? On my topper chest. Topper chest. Just touch it. Take a slow deep breath in. Exhale. As I count down from 5 to 0, you'll open the door and step inside 2021. वो साल जहाँ आपको स्मरण हुआ था भगवान शिव जी का. 5, 4, 3, open the door. 2, step inside the door. 1, close the door behind you. And 0, walk into this year, January, February, March. कहाँ जा पा रहे हैं आप? कब आपको स्मरण हुआ था? मार्च में? पीछे जाइए. मार्च में आप कहाँ थे? कहाँ हैं आप मार्च में? मुक्तेश्वर. तो आप मुक्तेश्वर में हैं. Feel yourself in मुक्तेश्वर. क्या पहना है आपने? क्या कपड़े पहने हैं? क्या समय है? सुबह का है, दोपहर का है, संध्या का है, रात का है? It's morning. Morning. आप मुक्तेश्वर में हैं, मॉर्निंग में हैं. क्या कपड़े पहने हैं आपने? कार्गो पैंट. कार्गो एंड ब्लू टी शर्ट. ओके. ब्लू टी शर्ट, कार्गो पैंट. आपके साथ कोई है कि आप अकेले हैं? I'm alone. Allow yourself to be there alone. आप अकेले वहाँ क्या कर रहे हैं? कहाँ पे हैं आप exactly? अपने आप को बताइए. बताइए हमको आप हैं कहाँ पे अभी इस वक्त? I'm in front of a waterfall. महसूस कीजिए आप इस क्षण भी उस waterfall के सामने हैं. अपने आप को उसी जगह पे महसूस कीजिए. And then what happens? क्या महसूस कर रहे हैं? आपको शिव जी का स्मरण हुआ था. I'm feeling very positive. आपके सामने वाटरफॉल है, आप खड़े हैं, आप अकेले हैं, आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं. आपको शिव जी का स्मरण कब हुआ? I started seeing lot of ice.
आपको अचानक दिख रही हैं बहुत सारी आँखें हैं, और फिर जब ये आँखों को आप देख रहे हैं आपको कैसा लग रहा है, और वो आँखें किसकी हैं? जब आँखें हैं तो प्रतिमा भी होगी, तो पीछे जाओ और देखो किसकी प्रतिमा है। कुछ महसूस कर पा रहे हो, विजुलाइज कर पा रहे हो? आई कैन सी एक ऐसी, मतलब उनका, मतलब एक शिव जी का एक पूरा इमेज इन माय माइंड, बट इन अ डिफरेंट बैकग्राउंड। क्या बैकग्राउंड आपको दिख रहा है? हो सकता है आप ऑलरेडी पास्ट लाइफ में जा चुके हो यहाँ से। क्या बैकग्राउंड दिख रहा है आपको? इट्स नाइट एंड स्टार्स। इट्स अ स्टारी नाइट, राइट? यस। पूरा बैकग्राउंड बदल गया। सुबह से रात हो गई। और क्या दिख रहा है? नाउ आई कैन सी अ शेप ऑफ हिम, ही इज इन द स्काई, इन अ, ही इज मेडिटेटिंग इन अ समाधि। That's why you took the staircase which was in the sky. Now you're going to take a slow deep breath in. ध्यान से मेरी बात सुनना। वहाँ से निकलो और तुमको एक staircase दिखेगा जो sky में जा रहा है, जहाँ वो हैं। आप समझे? But you will be in a different lifetime. और वो staircase के पास आपको दरवाजे दिखेंगे 1900, 1800, 1700, 1600, हो सकता है 4000 साल पहले के। Blink lights, ऐसा black white, आँखों पे ऐसा blink blink हो रहा है वो। सो अब वो स्टेयरकेस चढ़ो और वहाँ जाओ जहाँ आपको शिव जी की स्मरण दिख रहे हैं। गो इन टू दैट लाइफ टाइम जहाँ पे आपको ये स्मरण हुआ था। अब स्टेयरकेस लो और स्टेयरकेस के बाजू में आपको एक साल दिखेगा, 1800, 1900, 1700, 1600, 1500, 1400, तो जाते जाओ। तुमको देखो कहाँ तुम्हें जाना है, कहाँ तुम्हें ये स्मरण पहली बार शिव जी का हुआ है। इस ज़िंदगी में 2021 से पहले कौन सी अलग ज़िंदगी थी जहाँ तुम्हें शिव जी का स्मरण हुआ था? देखो कौन सा दरवाज़ा तुम्हें आकर्षित करता है, उस दरवाजे के पास जाके खड़े हो जाओ। 1, 2, 3, 4, 5, गो एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दैट डोर। आई वॉक, बट 1700 इज कमिंग इन माय माइंड, मतलब 1700 के सामने खड़े हो जाओ और अपने एंजल्स, अपने गाइड्स को बोलो थैंक यू मन में, कि उन्होंने आपको ये रास्ता दिखाया कि कहाँ आपको जाना है। थैंक योर सबकॉन्शियस माइंड एज यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डोर। अब आप सीधा जब दरवाज़ा खोलोगे आप एक दूसरे बॉडी में होंगे, दूसरी वेशभूषा में होंगे। आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, कोई भी जेंडर में हो सकते हो, इट्स ओके। इट्स 1762, वेरी गुड। एंड एज आई काउंट यू 5 to 0, 1762 के साल में घुसिए। 5, back, 4, open the door, 3, step inside, 2, close the door behind you, 1, be in the past of 1762, 0, अपने पैरों के पास देखिए क्या पहना है आपने, अपने पैरों के ऊपर कुछ पहना है नहीं पहना है। टेक सम टाइम टू ग्राउंड योर सेल्फ टू दैट रियालिटी। आप 1762 में हैं अभी। आर यू अ मेल और अ फीमेल? क्या लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हो? आई एम अ मेल। यू आर अ मेल। क्या पहना है आपने? थिंक आई एम इन माय 30s एंड 40s, 30 to 40s। 30 से 40 साल के बीच में है। किस तरह की वेशभूषा है आपकी 1762 में? कुछ पहना है? आई कैन सी हेयर्स on my leg and I can see just a orange cloth, barber aisa kuch orange to aapko aapke pair hairs bhi dikhai de rahe hain, aapko hairs dikh rahe hain pairon ke, zyada hairs hai, kis tarah ke heavy hairs, hairy body hai, hairy body, aur aapko orange color ka aapne kuch pehna hai। Allow your gaze to go down, pairon pe kuch pehna hai? No, take a slow deep breath in, lambi gehri saans lo, और ये जो आपको प्रतिमा दिख रही है वो प्रतिमा के साथ एक हो जाइए। बिकम दिस मेल 30-40 ईयर ओल्ड विद हेरी लेग्स, ऑरेंज कलर के कपड़े जिसने पहने हुए हैं उसके साथ एक हो जाइए। अभी आप वो हैं। अब आप अंदर हैं कि बाहर हैं? आई एम इनसाइड हिम, माय आईज आर क्लोज। यू आर इनसाइड व्हाट?
inside this man, 30, 40 year old. You are inside a 30, now where is this 30, 40 year old man? This is your past life. तो अब ये कहाँ है? ये अंदर है, बाहर है, घर में है, कहीं कहाँ है? कहाँ महसूस कर रहे हो अपने आप को? I can see him in a mountain and I can see a fire burning in front of me. तो महसूस करो कि तुम्हारे सामने फायर बर्न हो रहा है, तुम माउंटेन में हो, किस तरह का माउंटेन है? I can see a man also. I was seeing a man पहले एकदम कुछ सामने. किस तरह का मैन है ये? You won't believe me, but जैसे वो हनुमान जी की प्रतिमा होती है ऐसा कोई फायर के सामने बैठा हुआ है टीका लगाकर. नहीं, तो कोई हनुमान जी की प्रतिमा है वो फायर के सामने टीका लगा के बैठा हुआ है. हाँ, मतलब अ मंकी मैन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. मंकी मैन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ. ठीक है, इट्स ओके, परफेक्ट. एंड ही इज वेयरिंग ऑरेंज. हाँ, और क्या दिख रहा है वहाँ पे? आप क्या कर रहे हो? दिन है, रात है, शाम है, क्या वक्त है? इट्स नाइट. नाइट टाइम. और आंखों ऊपर देखो तो सितारे दिख रहे थे आपको तभी. आई कैन सी मून. एक ऐसा बहुत ब्राइट लाइट सा आल्सो. आई डोंट नो इट्स मून और व्हाट. कैसा लग, कैसा क्लियर स्काई है? बहुत क्लियर स्काई. क्या कर क्या रहे हैं ये फायर के सामने आप? आई थिंक आई एम आउटसाइड अ केव. केव के बाहर है. टर्न करो थोड़ा सा और केव के अंदर जाने की कोशिश करो. क्या है इस केव में? There is a shivling inside a cave. There is a shivling inside a cave. Take a slow deep breath in. Exhale. तो एक शिवलिंग आपको दिखा, एक मंकी मैन दिखा. What do you do next? आप आगे क्या करते हैं? आप 1762 में हो, आप अपने आप को सन्यासी की वेशभूषा में देख रहे हो, रात का वक्त है, आप माउंटेन के ऊपर हो, आपको एक केव दिखा है जहाँ पे एक शिवलिंग भी आपको दिखा, मंकी मैन दिखा. हो सकता है मंकी मैन है या मंकी है, वो बराबर से देखो. मेल 30-40 इयर्स का सन्यासी क्या कर रहा है? व्हाट्स हिज नेक्स्ट स्टेप? फायर में क्या कर रहा था ये? मंकी मैन का केव है आई थिंक. ये मंकी मैन का केव है. हाँ, ओके. तो मंकी मैन और आपका क्या रिश्ता क्या है? उनका उनसे कुछ सीखने आया हूँ मैं. तो मंकी से आप सीखने आए हैं, मंकी मैन से? हाँ, मतलब कि वो जैसे वो वानर वाला वो होता था ना, तो रूप. हाँ, तो उनसे आप क्या सीख सकते हैं? आर यू एबल टू टॉक टू दिस मंकी मैन? नाउ आई कांट सी. सो आप एक काम कीजिए, आप देखिए कि आप है ना एक सन्यासी हैं, आपके सामने आग है, अब आपको मंकी मैन भी दिखने रहे हैं. तो मंकी मैन थे कि नहीं थे? टेक अ स्लो डीप ब्रेथ इन. हाँ, दैट्स ओके. बी इन द बॉडी ऑफ दिस सन्यासी. इट्स अ प्रतिमा. अब वो सन्यासी तुम बन चुके हो, तुम वो माउंटेन पे रहो, फायर है वहाँ पे, केव में शिवलिंग है. अब देखो एज दिस पर्सन तुम क्या करते हो नेक्स्ट? मैंने एक धोती सा डाल रखा है और ऊपर कुछ नहीं है, और अब मैं ऐसा शिवलिंग पे जल चढ़ा रहा हूँ. एक ऐसा इमेज सा दिखा. हाँ, बस बस वो देखते जाओ, जल चढ़ाओ. क्या महसूस कर रहे हो जब तुम जल चढ़ा रहे हो? जब पूजा कर रहे हो भगवान शिव की तो क्या महसूस कर रहे हो? आराधना कर रहे हो भगवान शिव की, क्या महसूस कर रहे हो? I am having this tribun tilak on my forehead. Very good. और कानों में ऐसे गोल्ड का कुंडन सा डाला हुआ है. Very nice. बहुत अच्छे से तुम देख पा रहे हो, तुम पूजा कर रहे हो भगवान की, यानी कि तुम एक सन्यासी हो और तुम शिव जी की भक्ति करते हो. और ये केव जो है यहाँ पे, जो तुम्हें शिव जी का केव है जहाँ पे शिव जी की मूर्ति है, वो क्या है? रहते कहाँ हो तुम? I think I'm a pujari inside this cave. You are a pujari. और मैं इसी केव में. तुम पुजारी हो, तुम शिव जी की आराधना करते हो, पर तुम माउंटेन के ऊपर हो कि ये केव बाकी लोग भी देख आते हैं, भक्त भी आते हैं, कि तुम अकेले यहाँ पे हो? I think it's very far, very far. It's very only far. Rare people come there. बहुत rarely लोग आते हैं, पर आते हैं क्या? कभी-कभी भक्त आते हैं. When you call them, then they come. तुम्हारे साथ और भी कोई पुजारी हैं कि तुम अकेले हो? Look around. देखो. I can see this black figure.
कंप्लीट ब्लैक. कौन है ये ब्लैक फिगर? इसके तो सीइंग विंग भी दिख रहे हैं. कोई बात नहीं, इसको एक बॉल ऑफ लाइट में करके अलग हटा दो. और कोई पुजारी दिख रहे हैं? आई थिंक ओनली आई एम ह्यूमन देयर एंड एवरीबॉडी एल्स इज स्पिरिट्स. दे आर स्पिरिट्स. तो तुमको ये ब्लैक भी स्पिरिट दिखा है राइट? पर ये ब्लैक स्पिरिट नहीं है. तो क्या है? स्पिरिट्स का कुछ और शेप सा दिखाई दे रहा है. कहाँ पे दिखा? मतलब ऐसे. कितने स्पिरिट्स हैं वहाँ पे? तो क्या तुम्हारे पास वो गिफ्ट है कि तुम देख सकते हो उनको? क्या तुमने इतनी साधना की है कि तुम स्पिरिट्स को देख सकते हो उस जिंदगी में? Seeing this green light and black light. That's okay. Leave the black and green light. देखो पहले स्पिरिट्स दिख रहे हैं आपको? कितने स्पिरिट्स दिख रहे हैं? Oh, I can see this only this एक ये seeing वाला कुछ एक एनिमल है, पता नहीं ह्यूमन है ये क्या है, बस यही दिख रहा है फिर से. Take a slow deep breath in, exhale. बोलो कि आपका जो सही चेहरा है वो थोड़ा सा बताओ. आपका जो सही चेहरा है वो बताओ. I can see this long hair guy. उसको बोलो लेफ्ट में टर्न करके, बोलो तुम मर चुके हो. उसको उसकी डेड बॉडी. He is a very spiritual. He is a very enlightened being. He has been there from many years. वो. I can say to him. You can't say what. तुम मर चुके हो. तो वो जिंदा है? आपने कहा वो स्पिरिट है. He is still alive. तो वो जिंदा है कि वो स्पिरिट है? वो जो सींग वाले थे उसके बाद वो एक वो फिगर दिखने लग गया, लॉन्ग हेयर गाय. अच्छा, वो क्लीन फेस. हाँ, तो वो कौन है जो आपको दिख रहे हैं फिर? इट्स हिज केव, ही कॉल्ड मी देयर. हाँ, फाइनली यू अंडरस्टूड. आप किसके पास सीखने आए थे? टेक अ स्लो डीप ब्रेथ इन, एक्सहेल. तो फाइनली देयर इज दिस पर्सन, एक और संत हैं जो बहुत सालों से तपस्या करते हैं. उन्होंने आपको बुलाया था वहाँ पे और आप वहाँ पे उनकी तलाश में आए हैं. ठीक जा रहे? कैसा लग रहा है अभी आपको? अच्छा लग रहा है. नाउ आई कैन सी हिज फेस. अब वो डरावना वाला चेहरा नहीं दिख रहा. तो वो डरावना वाला चेहरा था कि आपको प्रतिमा ढूंढ करने में, थोड़ा फिगर आउट करने में टाइम लगा? कि अगर डरावना वाला चेहरा है तो हमें डील करना है उनसे, इसीलिए पूछ रही हूँ. Yes, I can see एक ऐसा डरावना वाला भी बार-बार, मतलब I can see him also, but take a slow deep breath in, अपना हाथ उनके सामने लगाओ और अपने हाथ से सोचो व्हाइट लाइट आ रही है. चलो दोनों हाथ ऐसे करो, व्हाइट लाइट करो और वो डरावने चेहरे को पूरी तरह से व्हाइट लाइट में भर दो. And now just look above and you will see the central sun. Sun मिल दिखेगा. ये देखो कि ये जो रावणा being है वो central sun में चला गया, विलीन हो गया. 5, send him up. 4, 3, 2, 1 and 0. Now only you are there और वो संत हैं जिसके पास आप आए हैं सीखने के लिए. कैसा लग रहा है अभी आपको? अब कुछ इतना दिख नहीं रहा, मतलब कुछ. दैट्स ओके. अभी वो संत आपको दिखे जिसके पास आप आए हैं, आपको बुलाया गया है. कैसा लगता है आपको उनके साथ? कब तक आप रहते हैं ये जगह पे? बीन देयर फॉर 20 इयर्स ट्वाइस. 20 साल तक आप वहाँ गए थे. क्या करते थे आप वहाँ पे? क्या सीखा आपने वहाँ पे? अबाउट लाइफ. व्हाट अबाउट लाइफ? दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस क्रिएशन. व्हाट एल्स डू यू लर्न देयर? एनीथिंग एल्स और यू जस्ट लाइक बीइंग देयर? I can see Earth from very far away. आपको अर्थ बहुत दूर दिख रहा है? हाँ, मतलब. तो आप हैं कि? Like sky और Earth. In between sun and earth. I can see sun also behind me.
maybe I'll learn traveling from there. Traveling where? Take a slow. No, I can see as a Lord Shiva Kavapsi, a snowfield image. He's totally covered in snow. So basically, this is somewhere that you are either seeing him, visualizing him, or you're in a state of meditation. Yes. Take the blessings of Lord Shiva and go back to the mountain from where you came on Earth. He taught me how to travel from this planet to other worlds. Very good. Take a slow, deep breath in. किसने सिखाया आपको हाउ टू डू टाइम ट्रैवल? वो योगी. योगी ने. टेक अ स्लो. तो आपके पास वो विद्या है टू ट्रैवल फ्रॉम दिस अर्थ टू अदर वर्ल्ड्स. आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं. एस्ट्रल बॉडी इज शेकिंग. अलाउ इट टू शेक. वो विद्या आएगी तो उसके साथ एनर्जी भी आती है. सो यू कैन डू टाइम ट्रैवल राइट. अभी ऐसा चक्कर सा फील हो रहा है. Take a slow, deep, close, keep your eyes closed, come back to earth. That's why I said come back to earth. Come back to earth. और वो योगी के साथ आप रहते हैं 20 साल, फिर से एक और 20 साल. How does it end? आपके उस लाइफ में मरते कैसे हैं? I was frozen in ice. You were frozen in ice. You died like that. I can see me frozen in ice while I was meditating. You were meditating and you became frozen in ice. Yes. How old are you when you die? When I'm 220 years old. 220 years old. Okay. So you lived for 220 years. Take a slow deep breath in. It's finally over. Jo yogi tha jisne aapko time travel karna sikhaya. Wo kab? And my body is shaking so much. Like I can feel something shaking from inside. It's okay. Relax. We'll work on it. आपके साथ जो योगी थे, उनकी मृत्यु कब हुई? He is not died. He is still alive. So everybody who has been born, it dies. So see that person's death also. It's important for you. हर इंसान जो जिया है, वो मरेगा. ये मृत्यु लोक है. So maybe he's not aware that he has died. Maybe you are also not aware he has died. Something happening when I'm thinking about him. That's okay. Go slowly. It's fine. But see what is the reason. See his death. He's still alive. See how he died. He's still alive. उनका सतोपन सरोवर के पास उनका किए. हाँ, पर वो मर चुके हैं. वो भी देखिए. केव होगा वहां उनकी एसेंस हो सकती है, स्पिरिट हो सकती है, बट दैट पर्सन इज डेड. शो हिम द डेड बॉडी फर्स्ट. नो, ही इज नॉट डाइड. फाइन, वी विल कम बैक टू दैट लेटर. नाउ टेक अ स्लो डीप ब्रेथ इन. यू डाइड. आप तो बर्फ में थे. ठीक है, ये लाइफ खत्म हो गई राइट. यस. नाउ कम बैक इन द हियर एंड द नाउ और इमेजिन करिए अपने आप को किसी एक रूम के अंदर. और वो जो साधु था जो मर गया 2020 साल में तप करते हुए, उसको टाइम ट्रेवल की गिफ्ट थी. उसको टाइम ट्रेवल करना आता था राइट. सो टेक दैट गिफ्ट. ये देखो कि वो साधु तुम्हें वो गिफ्ट दे रहा है. अपने दोनों हाथ ऊपर करके वो गिफ्ट लो. रिमूव योर हैंड फ्रॉम द राइट साइड एंड टेक इट. अपना राइट हैंड हटाओ. सिंह, आई एम नॉट रेडी. दैट्स ओके. It's okay whether you're ready or not, but it is yours, right? So maybe you can take it later on. ठीक है? So turn around and वो साधु को जहाँ वो थे वहाँ उनको जाने दो, उनके ancestors. Take a slow deep breath in, come here in the now, Shivam. As I count you up from one, you're awake, very very relaxed at two. You're aware of all the surroundings of this sofa and things around you. Four, you can keep your eyes. I can see him there in this room, standing near the gate. तो उनको बोलो कि अब आप मर चुके हैं, आप अपने ancestors के पास चले जाइए. Out, go back to your ancestors. या फिर उनको जला दीजिए ताकि ये खत्म हो जाता है. उनको बर्फ से निकाल के उनको जला दीजिए.
cremate the body. And once it is finally over, let us know. How are you feeling? Did you cremate the body? No. Karo. जरूरी है, नहीं तो वो उसका प्रेजेंस आपको करंट लाइफ में भी महसूस होता रहेगा. डू इट नाउ. इट्स ओवर, द लाइफ एंड्स नाउ. 1762 की लाइफ थी, द लाइफ हैज एंडेड. इट्स ओवर, बोलते जाओ. इट्स ओवर, बोलो. ओवर है. इट्स ओवर. 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 And now burn them, cremate them. He has disappeared. Very good. Now, as I count you up from 1 to 5, at 5 you'll be fully awake, feeling very good about yourself. Take it very slowly. Coming up with 1, higher up with 2, you're aware of everything and the sofa and everything at 3. I can see his, I can see his pictures. Pictures. सो मैं क्या करूँगी, आपको एक बॉल ऑफ लाइट दूंगी, उसमें सारी पिक्चर्स डाल दो. जब आप ख़त्म करोगे तब आप मुझे बताना. जो जो चीज़ को आपको बॉल ऑफ लाइट में डालना है ना, आप डाल दो. और वो बॉल ऑफ लाइट को सन ऊपर, सोचो सन है, वो सब सन को दे दो. Wow. I think I'm... He's gone and... Everything is done. Everything is over. Come back into the current life as Shivam. Say, I'm Shivam. I'm Shivam. Coming up with 1, I'm Shivam. I'm Shivam. Coming up with 2, higher up with 3, I'm Shivam. I'm Shivam. Eyes open at 4, 5. Feel yourself. When you're ready, you can open your eyes. Take your time. इतना मजा मुझे आज आया है, मुझे अब तक अपने बहुत कम पॉडकास्ट में मुझे इतना इन्जॉय मैंने किया है. तो आई होप आपको भी उतना ही मज़ा आएगा. और आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये नॉलेज जितना लोगों तक पहुँचे उतना अच्छा है. मैं गीतांजलि के जितने भी डिटेल्स हैं जिससे आप उनके साथ कंसल्टेशन ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. प्लीज़ गेट इन टच विद हर, नो योर फ्यूचर, नो योर पास्ट एज वेल. एंड कीप वॉचिंग तरुण शर्मा शो. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.